मैं नंदिता शर्मा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू कश्मीर प्रदेश सहमंत्री। आज की जो प्रेस वार्ता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू को लेकर है। और आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू कश्मीर के प्रदेश मंत्री मुकेश मिन्हास जी हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू कश्मीर प्रदेश सहमंत्री रमनीत जी हैं और केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू के अध्यक्ष शुभम जी हैं। इस प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मैं हमारे प्रदेश मंत्री मुकेश मिन्हास जी से आग्रह करती हूँ और आप सब मीडिया बंधु और बग्नी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, हायर एजुकेशन हमारे देश की आन बान और शान है, और जिस प्रकार से जो सरकार की प्रायोरिटीज, जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को अपॉइंटमेंट को देखकर लग रही है, लग नहीं रहा है कि सरकार उतनी इंपॉर्टेंस दे रही है कि वो वाइस चांसलर को अपॉइंटमेंट करना चाह रही है, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू के वाइस चांसलर हो, चाहे जम्मू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हो। यदि मैं बात करता हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के वाइस चांसलर पिछले 1.5 ईयर से, 1.5 वर्षों से वहाँ पर वाइस चांसलर का पद खाली है। और जब वहाँ जो सर्च कमेटी का गठन होता है, जो पिछले साल 2020 में नवंबर के अंदर सर्च कमेटी का गठन होता है, और जब वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट के लिए वो जो सर्च कमेटी बनती है, तो 19 जुलाई 2021 को उस सर्च कमेटी की रिपोर्ट आती है और प्रोफेसर संजीव जैन को वाइस चांसलर अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का। परंतु अभी तक प्रोफेसर संजीव जैन ने वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तौर पर उन्होंने अभी तक ज्वाइनिंग नहीं की है। इतने महीना, कम से कम 3 से 4 महीने का समय निकल गया है और अभी तक वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। हम पूछना चाहेंगे सरकार से, भारत सरकार से, जम्मू कश्मीर की सरकार से, कि पिछले 1.5 वर्षों से वहाँ पर वीसी क्यों नहीं है? अगर आपने वीसी की अपॉइंटमेंट की है, यदि उनकी विलिंग ही नहीं है ज्वाइन करने के लिए, तो क्यों नहीं जो उस पैनल के अंदर अन्य जो बाकी लोग थे, जो 5 लोगों का वो पैनल था जिसमें एक की वहाँ पर जो सिलेक्शन होती है, बाकी 4 लोग उसमें भी सिलेक्शन नहीं होती है, तो क्यों नहीं सरकार द्वारा, यदि संजीव जैन साहब की विलिंग ही नहीं है एज अ वाइस चांसलर ज्वाइन करने की, तो क्यों नहीं बाकी किसी अन्य लोगों की वहाँ पर ज्वाइनिंग की जाती है? जिस प्रकार से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू जो है 2011 के अंदर एस्टैब्लिश हुई है, जो एक अपने आप में अभी नई फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर पिछले 1.5 वर्षों से वाइस चांसलर का नहीं होना, और जो वहाँ के अभी जो वाइस चांसलर के तौर पर काम कर रहे हैं प्रोफेसर अशोक अहिमा का वाइस चांसलर का टेन्योर 14 अप्रैल 2020 को ख़त्म हो जाता है, परंतु फिर भी वो एज अ वाइस चांसलर जो अडॉक के आधार पर वो वाइस चांसलर का वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ पर जो है वो जो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, वहाँ पर प्रोफेसर्स को वो रिक्रूट कर रहे हैं, तो किस आधार पर वो रिक्रूट कर रहे हैं? आज उन इन सभी के कारणवश जो है वहाँ का विद्यार्थी सफ़र कर रहा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर जो डेवलपमेंटल काम होने चाहिए थे वो उस प्रकार से, उस गति से नहीं हो रहे हैं, और जिसका सबसे बड़ा मेजर फैक्टर यदि हम कोई देखते हैं, तो वहाँ पर परमानेंट वाइस चांसलर का नहीं होना, तो ये प्रश्न चिन्ह लगाता है कि सरकार हमारे हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके लिए कितनी उसकी प्रायोरिटी है, उसके वाइस चांसलर को अपॉइंटमेंट करने के लिए कितनी उसकी प्रायोरिटी है। सेम यदि हम बात करते हैं जम्मू विश्वविद्यालय की, तो आज जो जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर वाइस चांसलर है, उनका जो उनका टाइम है एज अ वाइस चांसलर का टेन्योर है, वो जून के महीने में ख़त्म हो गया है, परंतु अभी तक वहाँ पर कोई सर्च कमेटी, जो वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट के लिए जो सर्च कमेटी होनी चाहिए थी, अभी तक उसकी एस्टैब्लिशमेंट नहीं हुई है। अभी क्या वहाँ के वाइस चांसलर जो हैं वो एक्सटेंशन पर हैं, क्या वहाँ के वाइस चांसलर को एक्सटेंशन मिला है, अभी तक ऐसा कुछ भी पब्लिक डोमेन के अंदर नहीं है, और ये सरकार को क्लियर करना पड़ेगा कि जो जम्मू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं वो किस आधार पर वहाँ वो आज काम कर रहे हैं। आज वो वहाँ पर जो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, वहाँ पर जो है कुछ लोगों को उन्होंने एज असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूट किया है, वहाँ फैकल्टी उनको रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, किस आधार पर वो जो है वहाँ पर अपॉइंटमेंटें कर रहे हैं, पूछना चाहेंगे सरकार से। सरकार की मानसिकता क्या है, सरकार इन विषयों को लेकर गंभीर क्यों नहीं लग रही है, चाहे वो जम्मू कश्मीर की सरकार हो, चाहे वो भारत सरकार हो। वही सेम हाल जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कश्मीर के अंदर है, वहाँ भी एक लंबे समय से जो है वाइस चांसलर का पद खाली है, वहाँ सर्च कमेटी तक बनी है, परंतु सर्च कमेटी होने के बावजूद भी वहाँ वाइस चांसलर को अपॉइंट जो है नहीं किया जा रहा है। तो जिस प्रकार से जम्मू के अंदर हम चाहे बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के अंदर, जो जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर, तो वाइस चांसलर के पद जो है वो लगातार लंबे समय से खाली है, और सरकार की प्रायोरिटी नहीं लग रही है कि उन पदों को आगे भरे। आप खुद देख सकते हो कि जो जम्मू विश्वविद्यालय की जो रैंकिंग थी, जो ए ग्रेड की यूनिवर्सिटी थी, आज उसकी रैंकिंग डी ग्रेड हो गई है, आज हमारा जम्मू विश्वविद्यालय बी ग्रेड की रैंकिंग के अंदर आ रहा है। तो सरकार उस पर क्या कर रही है, सरकार की मानसिकता नहीं लग रही है कि वो वहां पर वाइस चांसलर को, कोई परमानेंट वाइस चांसलर को अपॉइंटमेंट करना चाह रही है, इसलिए विद्यार्थी
ये सरकार से पूछना चाहते हो, सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए कि जो जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर वाइस चांसलर है क्या वो एक्सटेंशन पर है, यदि एक्सटेंशन पर हैं तो उसको पब्लिक डोमेन के अंदर लोगों के बीच में उस बात को क्लियर करना होगा। दूसरा, वहां पर परमानेंट वीसी को अपॉइंट करने के लिए विद्यार्थी परिषद यहां मांग करता है कि